हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनु सिंह और आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूं, मूंग दाल की खिचड़ी, जिसमें मैंने सिर्फ जीरा, लहसुन और हरी मिर्ची का घी में तड़का लगाया है। जब भी मेरा कभी भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा होता, या फिर कभी तबीयत ठीक नहीं रहती, या फिर कुछ हल्का खाने का मन कर, मैं हमेशा ऐसे ही खिचड़ी बनाकर खाती हूं। और खिचड़ी मुझको बहुत पसंद है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप मूंग दाल लिया है और आधा कप चावल। अच्छे से मैंने इसे धो लिया है और अब मैं इसे कुकर में डाल दूंगी। इसमें मैंने 3 कप पानी डाला है और अब मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालूंगी, 1/2 छोटी चम्मच नमक। कुकर को बंद कर देंगे और इसे सिर्फ 2 सीटी तक हम पकाएंगे। खिचड़ी हमारी 2 सीटी लगाकर तैयार है, तो खिचड़ी को चेक करेंगे। तो खिचड़ी बनकर रेडी है। मूंग दाल की खिचड़ी को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 सीटी में ही खिचड़ी बन जाती है। तो अब बारी आती है तड़का लगाने की। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है, 1 हरी मिर्च है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। और इस तड़के को मैं घी में फ्राई करूंगी। आप चाहें तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल हो या फिर घी हो, दोनों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खिचड़ी का। पैन गरम करके मैंने 1 बड़ा चम्मच घी लिया है, उसमें मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा डाला है। और जीरा चटकने के बाद अब मैं इसमें कटे हुए लहसुन और कटी हुई मिर्ची डाल दूंगी। हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि हमारा लहसुन जो है वो हल्का गोल्डन ना हो जाए। लहसुन और मिर्ची को ज़्यादा जलाना नहीं है, लहसुन को सिर्फ गोल्डन ही करना है, ताकि एक अच्छा फ्लेवर जो है लहसुन का वो बना रहे। बस तड़का जो है वो हमारा अच्छे से भुन गया है। अब मैं इस तड़के को खिचड़ी में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे खिचड़ी को। और खिचड़ी जो है वो मुझे गीली पसंद है, इसीलिए मैं इसमें 1/2 कप और पानी डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और बस इसे 2 मिनट तक तेज आंच पर पकाएंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर गर्मा गर्म खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो गर्मा गर्म मूंग दाल की खिचड़ी बनकर तैयार है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। गर्मा गर्म खिचड़ी घी के साथ खाने में बहुत ही मजा आता है। आप इसे दही, पापड़ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आई रियली होप कि आपको ये सिंपल सी जीरा लहसुन के तड़के वाली मूंग दाल की खिचड़ी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।